भाई साहब क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हैं? जी मेरा नाम दीपक है, पहले तो जय माता दी। मेरा नाम दीपक है, दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, आज आपने पैदल यात्रा जो है आपने बोर्ड लिखा हुआ अपने पीठ के पीछे, क्या आप दिल्ली से पैदल यात्रा कर रहे हैं? दिल्ली से ही पैदल यात्रा कर रहा हूँ जी, 18 दिन हो गए आज। अच्छा, माता वैष्णो देवी। क्या हर साल इसी तरह से आप आते हैं? फर्स्ट टाइम ही है जी। जो आपका पहला बस था? हाँ, पहली पैदल यात्रा। किस चीज को लेकर आपने ये यात्रा जो है ये? कुछ नहीं, माता रानी का बुलावा था इसलिए पैदल यात्रा कर रहा हूँ। कोई विश्वास, क्या विश्वास था आपको? ना, कोई ऐसी मनोकामना नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बस एक माइंड में ना माता रानी का मैसेज आ रहा था कि पैदल यात्रा इसलिए। किस कैसे जी आपका जी मन बना कि पैदल यात्रा जो आप जी शुरू कर दें, क्या विश्वास था? विश्वास तो माता पे है ही है, माता रानी का बुलावा है तो इसलिए चल पड़ा मैं। माता रानी को बहुत मानता हूँ मैं, पर काफ़ी टाइम से गया नहीं तो इसलिए मैं क्या इस बार पैदल यात्रा ही करता हूँ। इस बार आपने जी पैदल यात्रा ही। हम ये पूछना चाहते हैं, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि क्या कितनी श्रद्धा है, क्या चीज़ है जो आपने ये पैदल यात्रा स्टार्ट की? ये तो एक अपने ऊपर होता है दिल के, जैसे अगर आपका दिल कर रहा है कि मैंने पैदल यात्रा करनी, पैदल भी कर सकते हो। अगर आपको बस से करनी है या ट्रेन से जाना है, वो आप ट्रेन से जा रहा है, वो आपकी श्रद्धा है, आप किस पे जा सकते हैं। इससे पहले आपने कितनी बार दर्शन किए हैं माता जी? माता रानी के दर्शन तो मैंने 5 से 6 बार हो चुका हूँ, वहाँ से हो आया हूँ, कर चुका हूँ। बाकी क्या संदेश रहेगा बाकी युवाओं के लिए? यही कहूँगा, अगर किसी को जाना है, श्रद्धा है तो जाओ, नहीं श्रद्धा तो मत जाओ। क्योंकि अगर पैदल यात्रा करोगे तो बहुत टफ भी है, हम कहें कि आसान है, बहुत टफ है। आज मैंने चाहे मेरी फर्स्ट है जो भी ये अपना पैदल यात्रा है, बट बहुत टफ है, गर्मी में बहुत बुरा हाल है। तो अगर पैदल करने भी है तो सर्दियों में कर सकते हैं आप, गर्मियों में मत करिए आप। क्या आते समय भी आप पैदल ही आएंगे? आते समय मैं ट्रेन या आपसे आऊँगा, अपना बस वगैरह।